सेक्टर में काम करने वालों को मिलेगी न्यूनतम मजदूरी, नहीं देने पर 10 लाख का जुर्माना, 5 साल पर होगा रिवीजन। राजीव कुमार। केंद्रीय श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने सभी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज लागू करने की सिफारिश की है, चाहे वह सेक्टर सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो या नहीं। संगठित हो या असंगठित, सभी सेक्टर के लिए मिनिमम वेज लागू होंगे। न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले नियोक्ता को 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ सकता है। किसी भी सेक्टर के कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक समय तक काम नहीं लिया जा सकेगा। अर्जेंट वर्क के नाम पर भी कर्मचारियों को नहीं रोका जा सकेगा। अनुभवी एवं फ्रेशर्स दोनों के लिए समान वेज नहीं होंगे, अनुभव को महत्व दिया जाएगा। 5 साल पर मिनिमम वेज होगा रिवाइज, हर 5 साल पर मिनिमम वेज को रिवाइज किया जाएगा। एक नेशनल मिनिमम वेज होगा जिसके आधार पर सभी राज्य अपने अपने राज्य के लिए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य होगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में सौंप दी है। पिछले साल कोड ऑफ वेज बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दी गई थी। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंप दी है। किसी भी कानून को अंतिम रूप देने में स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश को काफी महत्व दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी को मिनी पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिमम वेज के लागू होने से देश भर में काम कर रहे लगभग 48 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कमेटी के मुताबिक इन 48 करोड़ कामगारों में से 82.7% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।